सो हेलो टू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माई न्यू वीडियोस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एक बोया वाई M1 का माइक। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर किए थे। तो चलिए इसे हम अनबॉक्स करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, इसका फुल डिटेल और रिव्यू करेंगे, इसमें क्या क्या हमें मिलता है सारा कुछ दिखाएंगे। तो चलिए इसे हम अनबॉक्स करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा माइक, ये बबल्स के अंदर रहता है। ये हमें एक मिल गया है, गिफ्ट मिला है। इसके साथ ही मोबाइल को इसमें कनेक्ट करके हम वीडियो शूट करते हैं, उसके वाला ये है। इसके साथ ये रहा हमारा माइक, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा रहा। इसमें बोया का लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर की बात करें तो बोया Y1 लिखा हुआ है यहाँ। यहाँ कनेक्ट बिथ है, मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, टैब से, PC से, कैमरा से, ये सब से कनेक्ट कर सकते हैं आप इसमें। और इसमें कुछ बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है इसका डिटेल, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और इसे चलिए अभी हम इसे अनबॉक्स करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा मिला है कुछ वारंटी कार्ड और इसमें हमें रीड करने के लिए कुछ कागज वगैरह मिला है, जो कि आप रीड कर सकते हैं। इसे कैसे यूज करना है सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो इसे रीड करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं। चलिए इसे साइड करते हैं। और इसके साथ ही हमें ये ब्लैक सा पाउच मिला है, इसी में हमारा माइक है। इसे अभी खोल लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा माइक। और इसमें हमें एक बड़ा सा कनेक्टर मिल जाता है, पिन जो कुछ इस तरह है। इसमें हमें एक कैप मिल जाता है, जो कि अगर कहीं भीड़ भाड़ इलाके में हम अगर वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें वॉइस के लिए बहुत ही बेस्ट है, इसे हम लगा के कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक बैटरी मिल जाता है, कैमरा से हम अगर यूज करना चाहते हैं तो इसमें बैटरी लगा के हम यूज करना होगा। उसके साथ ही ये हमें क्लिप मिलता है और एक ये बड़ा सा कनेक्टर मिल जाता है, जो कि हम PC में लगा के यूज कर सकते हैं। इसकी माइक की बात करें तो इसकी तार की लंबाई 20 फीट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमें मोड चेंज करने के लिए दो बटन मिल गया। अगर कैमरा से हम यूज कर रहे हैं तो कैमरा मोड में ले आएंगे, अगर स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो स्मार्टफोन में ले आएंगे। चलिए इसे हम बैटरी अभी इसमें लगा लेते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसे खोलना होगा। उसके साथ ही हमें ये रहा, इसमें हमें बैटरी लगा लेते हैं। इसे बैटरी लगाने के लिए इसे सिंपल सा इसमें लगा के इसे प्रेस करना होगा। ये हमारा हो गया, अब इसे हम यूज कर सकते हैं, कैमरा में लगा के यूज कर सकते हैं। इसमें हम अब कैप लगा लेते हैं और आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि इसका कैसा है। और इसके साथ ही हमें यह क्लिप मिला है, इसे इस तरह प्रेस कर इसे लगाना होगा, इसमें बस इसे ऐसे प्रेस करना होगा। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम अब इसे शर्ट में, टी शर्ट में लगा सकते हैं, इससे ब्लॉगिंग वगैरह जो भी वीडियो बनाना होगा इसे अब लगा के यूज कर सकते हैं हम। ये आप लोग को कि कैसा इसका आवाज़ है, तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको हम। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम अपना न्यू माइक लगा लिए जो कि बोया वाई M1 है। तो आप लोग इसका साउंड टेस्ट कर चेक कर सकते हैं कि कैसा इसका आवाज़ आ रहा है, नहीं आ रहा, आप लोग सारा कुछ चेक कर सकते हैं। इसमें है जो हम अभी बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड हो रहा है, हम अभी यही माइक लगाएं, आप लोग देख सकते हैं इसका कैसा आवाज़ आप लोग को लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। इसे आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही हमें ये मिला था, जो कि मोबाइल इसमें हम लगा सकते हैं, इसे मोबाइल में लगा के वीडियो शूट कर सकते हैं, उसके लिए ये मिला था, साथ में हमें मिला हुआ है। और तो इसके साथ में हमें कुछ नहीं मिला है। चलिए आज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।